अग्रवाल पब्लिक इंटर कॉलेज विजय लक्ष्मी नगर सीतापुर क्रिएट्स हिस्ट्री अगेन। आवर इंटरमीडिएट टॉपर वेंकटेश मौर्य गॉट फर्स्ट रैंक इन सिटी एंड नाइन्थ रैंक इन डिस्ट्रिक्ट। आवर हाई स्कूल टॉपर इजरा आजमी गॉट थर्ड रैंक इन सिटी। आवर थ्री स्टूडेंट्स अंकित कुमार विश्वकर्मा, हिमांशु मिश्रा एंड विकास आनंद गौतम गॉट सेलेक्टेड इन सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब। एडमिशन ओपन फॉर सेशन 2023-2024। Our other institution is Shivam Agarwal Memorial Degree College, BA, BCom, DLED, CCC and O Level. So, hurry up. आवारा गोवंशों से परेशान आए दिन तमाम घटनाक्रम आपको देखने को और सुनने को मिलते होंगे, लेकिन हम आपको उत्तर प्रदेश के कृषि प्रधान जनपद लखीमपुर खीरी लेकर चलते हैं, जहां पर योगी मोदी सरकार के एक विधायक उस समय पसोपेश में पड़ गए जब ग्रामीणों ने उन्हें घेर लिया। दरअसल ये विधायक आवारा गोवंशों से निजात दिलाने का कई बार आश्वासन दे चुके हैं। आलम ये हुआ कि हिंदूवादी संगठन भी विधायक का घेराव कर लिए और विधायक चुपचाप सुनते रहे। यहाँ तक तो चलता रहा, लेकिन आक्रोशित लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि वह धर्म परिवर्तन कर लेंगे। ये बड़ा सवाल है, आवारा गोवंशों से अब तक निजात किसानों को नहीं मिल पाई है और यही कारण है कि आए दिन देखते होंगे कि कैसे लोग सरकारी बिल्डिंगों में आवारा गोवंशों को बंद कर दे रहे हैं। कभी आवारा गोवंश किसान की जान ले रहे हैं तो कभी उनकी फसलों को चट कर जा रहे हैं। लेकिन लखीमपुर जनपद का एक ये अलग मामला सामने आया है, जिसमें विधायक के सामने साफ तौर पर आक्रोशित लोगों ने कह दिया है कि अगर आवारा गोवंशों से निजात नहीं दिलाई जाती तो वो धर्म परिवर्तन कर लेंगे। पूरा मामला क्या है, सीधे हम चलते हैं लखीमपुर खीरी, जहां पर आई इंडिया के ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्नोत्री इस समय फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। श्याम जी, जिस तरीके के वीडियो सामने आ रहे हैं और उसमें धौरहरा के भाजपा MLA विनोद शंकर अवस्थी को लोगों ने घेर रखा है, तमाम बड़ा बुरा कह रहे हैं और आक्रोश जता रहे हैं, पूरा क्या मामला है? देखिए पंकज जी, आप देख रहे होंगे ये मामला बहुत गंभीर है और गंभीरता इस मामले की इस बात से सबसे ज्यादा हो रही है कि लोगों ने एक धमकी या एक तरीके से कह दिया है कि हम धर्म परिवर्तन कर लेंगे। धर्म परिवर्तन कर लेंगे का मतलब बहुत गंभीर है, बहुत गहरा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि धर्म परिवर्तन का मतलब यह है कि वो चूंकि हिंदू धर्म से जुड़े हैं और हिंदू धर्म में गौ माता का पूजा करते हैं, इस कारण से जानवरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने ये भी कह दिया कि धर्म परिवर्तन करने के साथ साथ वो इन जानवरों के साथ बुरे कर्म भी करेंगे और इनको नुकसान भी पहुंचाएंगे। पूरा मामला पंकज जी ये है कि जिस वक्त चुनाव हो रहा था, अगर हम पीछे जाए तो ये विनोद शंकर अवस्थी ही बहुत ही जनता से जुड़े हुए जमीनी विधायक हैं और ये वहां जनता में इनका सबसे बड़ा मुद्दा जो था इनके घोषणा पत्र में, वो आवारा पशुओं से निजात का ही मुद्दा सबसे बड़ा था इनका कि हम गौशालाएं बनवाएंगे, गौशाला बना के हम 6 महीने के अंदर किसी भी तरीके से सरकार से मिलकर, शासन से मिलकर, हम आप लोगों को आवारा पशुओं से निजात दिलाने का काम करेंगे। इसी सब बातों में लेकर जनता की अपेक्षाएं विनोद शंकर अवस्थी विधायक से बहुत बढ़ गई हैं। आए दिन अगर देखें तो यहाँ पे 8 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर घेराव देखा जाता है अभी तक तो किसी भी विधायक का आवारा पशु लेकर घेराव नहीं किया जा रहा है। सबसे ज्यादा घेराव इन्हीं का किया जाता है। अगर महीने में घटनाएं होती हैं एक दो, तो उसमें 4 घटनाएं धौरहरा क्षेत्र की होती हैं। कहने का पंकज जी मतलब यह है कि अपेक्षाएं बहुत हैं। विनोद शंकर अवस्थी जी ने जनता से जो वादा किया था, उस वादे से जनता इनको घेर रही है और हमारा जो दृष्टिकोण है, जो लोगों से आई इंडिया बात करता है, इसमें विपक्ष की भूमिका भी बहुत ही गंभीर है, क्योंकि विपक्ष उसका उकसाता है कि सीधे कि इन्होंने वादा किया था, वादा क्यों नहीं पूरा कर रहे हैं। उस बात को लेके ही जनता रोज का रोज इनको घेरवाती है और कई बार तो ऐसा पंकज जी हो चुका है कि मंच पे फूट फूट कर विधायक विनोद शंकर अवस्थी रोए हैं ग्रामीणों के सामने और बोल रहे कि मैं ऊपर कह रहा हूँ, मेरी नहीं सुनी जा रही है, और इतना रोए हैं कि जो बहुत बार यहाँ पर लीड न्यूज बनी है, विनोद शंकर रोए हैं। लेकिन अब कब तक रोना धोना होगा ये जनता देखती है कि ये नाटक है या कुछ भी है।
यहाँ तक जो घटना कल हुई है बहुत बड़ी की, ग्रामीणों ने देखा जो आइडिया आपने स्क्रीन पे दिखा रहा है, उसमें भी यही मुद्दा है कि अब इतना आवारा पशु यहाँ पर है। एक तरफ विश्व हिंदू परिषद आंदोलन कर रही है, अभी कल गौवंश कुछ आवारा गौवंश के वो मिले थे, अंग मिले थे, 102 अंग मिले थे जो आवारा गौवंश बंद थे, उसको लेके हिंदू संगठन रोज आक्रोशित होकर रोज प्रदर्शन कर रहे हैं, जो सरकार और प्रशासन के सामने चुनौतियां हैं। और साथ ही ये अलग चुनौती है जिसमें आवारा पशुओं की खेती का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, और विदुर शंकर अवस्थी को कल लोगों ने घेर लिया, और घेरने के बाद यहाँ तक कह दिया कि अगर वो नहीं इस चीज को करते हैं, गौवंशों का आवारा पशुओं को नहीं रोकते हैं, तो कहीं ना कहीं वो धर्म परिवर्तन कर लेंगे। और ये मुद्दा इतना गंभीर है जो इंडिया दिखा रहा है कि लोगों में आज चर्चा का विषय बना हुआ, पूरे जनपद में चर्चा का विषय बना हुआ है, और कहीं इस चीज की आग अगर फैली तो जो देश निर्मित का मुद्दा धर्म परिवर्तन और लव जिहाद सब चल रहा है, उसमें ये एक नया मुद्दा खड़ा होने जा रहा है। इस चीज को लेकर प्रशासन शासन बहुत गंभीर है पंकज जी। बिल्कुल आपने सही कहा, धर्म परिवर्तन आपने अलग अलग दिशाओं में देखा होगा, अलग अलग घटनाक्रमों में देखा होगा, लेकिन यहाँ पर आवारा गोवंशों से आजीज आकर अगर लोग भाजपा के विधायक के सामने धर्म परिवर्तन करने का ऐलान कर रहे हैं या चेतावनी दे रहे हैं, तो अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। दरअसल आपको बता दें कि ये लखीमपुर जनपद की धौरहरा विधानसभा क्षेत्र है, जहां से भाजपा के विधायक विनोद शंकर अवस्थी जो दौरे पर गए हुए थे, क्षेत्र में खमरिया गांव है वहां पर वो गए हुए थे, वहीं पर ग्रामीणों ने उनका घेराव किया हुआ है, और उस दौरान इतना बला बुरा कह रहे हैं जिसको हम दिखा नहीं सकते, बहुत सारे ऐसे शब्दों का प्रयोग हो रहा है जिस मर्यादा के तहत उसको हम आई इंडिया के स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते, वहां मुझे बीप करना पड़ रहा है। दरअसल इतना लोग आक्रोशित हैं आवारा गोवंशों को लेकर कि ये नौबत आ रही है। तो श्याम जी, लखीमपुर जिला कृषि प्रधान जिला है जहां पर सर्वाधिक लोग कृषि पर निर्भर हैं, ऐसे में किसानों के सामने ये समस्या अभी भी मुंबई खड़ी है, आखिर इसका निजात क्यों नहीं हो पा रहा है? जब गौशालाएं गौ आश्रय स्थल सरकार ने बना दिए हैं, उसके बावजूद इस प्रकार की जो दिक्कतें हैं वो किसानों के लिए क्यों परेशानी का सबब बनी हुई है? आपको क्या लगता है, क्या इस पर जो है काम नहीं हुआ है सही से, या फिर लोग जो ग्रामीण हैं और वो भी एक बड़ी बाधा है, वो खुद छोड़ दे रहे हैं आवारा गौवंशों को, या जितनी पर्याप्त मात्रा में गौशालाएं या गौ आश्रय स्थल होने चाहिए वो है कि नहीं है? देखिए पंकज जी, ये बहुत बड़ी समस्या है और निश्चित तौर पर बहुत बड़ी समस्या है। जैसा आई इंडिया पूरे जनपद में देख रहा है कि बहुत बड़ा जनपद लखीमपुर खीरी है, जो बातें आपने कही कि कहीं ना कहीं प्रबंधन का बहुत बड़ा इसमें बहुत ज्यादा रोल है, और ये समस्या अभी कहीं से हल होती नजर नहीं आ रही है। है क्या कि रोज के रोज अगर आप देखें जो गौशालाएं लखीमपुर में बनी है, कल का ही बेटर है कि वहां पर भी कहीं भूसा नहीं है, कहीं डॉक्टरों की उपलब्धता नहीं है, कहीं पे चारा नहीं है, कहीं पे पानी की समस्या है, इस भीषण गर्मी में वहां पे जानवर मरते हैं, तो हिंदू संगठन बहुत जबरदस्त विरोध करते। कल ही एक जगह पर गौवंश के कुछ टुकड़े मिले और कहीं पे जानवर मरे हुए गौशालाओं में मिले, जिस कारण से हिंदू संगठनों ने बहुत ज्यादा विरोध किया और जिलाधिकारी का घेराव किया था 2 दिन पहले, जिसको आइडिया ने दिखाया भी था। और उस समस्या को लेकर इतनी ज्यादा समस्याएं हैं कि लोग जानवरों का दूध निकाल कर इनको आवारा पशु को छोड़ देते हैं, इनके ऊपर कोई बंधन नहीं है, किसी के ऊपर कार्रवाई कोई नहीं होती है, और सबसे बड़ी समस्या है कि कहीं ना कहीं गौशालाओं के प्रबंधन में बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं। चारे की समस्या है, पानी की समस्या है, दवाइयों की समस्या है, और जानवरों को रखने की समस्या है। ये समस्याएं इतनी भयानक है कि कोई आदमी इन पे जिम्मेदारी लेना नहीं चाह रहा है। पक्का जी, जिम्मेदारी का कारण यह है कि अगर गौशालाओं में रखते हैं, गौशालाओं में कोई बात होती है तो सीधे हिंदू संगठन विरोध करना शुरू कर देते हैं। इस कारण से भी लोगों में डर बना हुआ रहता है, और डर बनने से वो गौशालाओं के अंदर पशुओं को उन्हीं को रखते हैं जो स्वस्थ हैं या थोड़े ठीक ठाक हैं। कहीं भी इन पशुओं को कोई भी सहयोग नहीं मिल रहा है, इन आवार पशुओं को, और इसी कारण ये खेतों में जाके फसलों को खा रहे हैं। और ये समस्या अभी जो सरकार ने, बल्कि प्रधानमंत्री ने भी अपनी सभाओं में इसको कहा था, कोई ठोस या कोई गंभीर रणनीति अभी नहीं बन पाई पंकज जी, और ये एक समस्या बहुत बड़ी है।
कि कहीं ना कहीं प्रबंधन, गौशालाओं की कमी, चारे की कमी और साथ ही जिम्मेदारी न लेना, क्योंकि एक तरफ विश्व हिंदू परिषद जहां जरा सा भी कुछ जानों को हो जाता है तो उस अधिकारी कर्मचारी की खाट खड़ी हो जाती है और बहुत ज्यादा आंदोलन होता है, तो कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाह रहा है साथ ही, क्योंकि साधनों का अभाव है और साथ ही जो लोगों में जागरूकता की कमी है कि दूध निकालने के बाद जानों को ये लोग आवारा छोड़ देते हैं, इन पे कोई गंभीर कार्रवाई नहीं होती है। कानून तो बन गए हैं लेकिन फिर भी ना पुलिस कोई कार्रवाई करती है, ना ग्राम प्रधान इन पे नजर रखे हैं, ना टैगिंग की सही व्यवस्था है और इस कारण से ये समस्या का निजात अभी कोई ठोस होता नजर नहीं आ रहा है और आवारा पशुओं की समस्या बहुत ज्यादा है। पंकज जी, अब एक तरफ विश्व हिंदू परिषद है और दूसरी तरफ जनता है, तो इन सब चीजों में टकराव हो रहा है कि कैसे प्रशासन शासन चीज को निदान निकाले, लेकिन प्रशासन को गंभीर होना पड़ेगा, समस्या बहुत बड़ी है, आने वाले चुनाव में इन चीजों का सामना फिर करना पड़ सकता है, क्योंकि पंकज जी आप जाने प्रधानमंत्री की सभा में कहा था आवारा पशुओं की बात और कहीं ना कहीं योगी जी तक ये बातें पहुंच रही हैं प्रदेश सरकार में और आने वाले चुनाव में ये फिर एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है। पंकज जी बिल्कुल आपने ठीक कहा, 9 साल की मोदी सरकार और करीब 6 साल से ज्यादा का समय योगी सरकार को हो गया है और ऐसे में गोवंश की समस्या अब भी बनी हुई है, ये बड़ा सवाल है। कहीं ना कहीं इस मामले पर सरकार के जो कदम है वो सही दिशा में नहीं है और प्रशासन पर जो जिम्मेदारी डाली गई है वो भी बखूबी जो है उसका निर्वहन होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है और आवारा गोवंशों को लेकर अब सामत भाजपा के जनप्रतिनिधियों तक आती जा रही है, जिसका ये ताजा नमूना आप लखीमपुर की देख रहे हैं, जिसमें धौरहरा से जो भाजपा विधायक विनोद शंकर अवस्थी हैं उनका किस तरीके से घेराव किया गया हुआ है और किस तरीके से ग्रामीण उनसे पेश आ रहे हैं, ये अपने आप में सबक है, सीख है भाजपा के कर्णधारों के लिए और उनको समय रहते ध्यान देने की जरूरत है। सरकार इसमें न चेती तो आने वाले समय में, जैसा कि श्याम जी बता रहे हैं, चुनाव में ये बड़ा मुद्दा फिर से गर्मा सकता है। श्याम जी आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद पंकज जी, धन्यवाद। तो प्रधान लेकर प्रधान आप विधायक हो कहो तबे आप अपनी निधि से जो है दो चार गौशाला क्षेत्र में आप अपनी निधि से बनवा सकते हो। अरे तब देख लियो, हाँ अब देख लियो, हाँ सब ये चले जी जितने आप तो अगर कह रहे हैं मतलब सब कुछ नष्ट है, माँ गरीब आदमी मजूरी के लिए मजूरी करने पे भाई धर्म बदल दिया बस दिनों बस साथ में चले जाए प्राण मार है। अगर आप कहें छोड़े पर तो बहुत जो परेशान है अब जो मतलब विकल्प बचा कोई नहीं बदल कही पी भाई और कोई विकल्प नहीं। मैं तो विधायक जी हमारे सामने जितनों प्रसाद सुरेश कन्नस गए तो कह रहे प्रदेश ले बिगड़ रहा हूं बैठता मैं। विधायक जी प्रयास अपन करते हैं, विधायक जी तो अपन प्रयास करते हैं, हम आ जाते हैं हमारा पकड़ है पूरा की हमारा समस्या आए जानवर वाली बस इनका तो वाच की हजार कम से कम जितने। अरे तो देखो ऐसा है आप लोग देखो हमका जो ने हिसाब बनाया है 450 करोड़ के काम हो रहे हैं एक साल के अंदर, हम दौड़ रहे हैं कोशिश कर रहे हैं लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं होती है जो नहीं जल समस्या है। अगर टीका देखो तो दूध पी के छोड़ दे नियम चालू अगर हम से पंकज पांडे गाय छोड़ेंगे इनके पास 20-25 हजार जुर्माना गाड़ी बांधे जाए छोड़े दूध बांधे लेकिन जितनी सरकार मतलब नहीं का सरकार बहुत अभी परसों रिजा खाई दूध छोड़ दें तीन थोड़ी मने घूमती है ये दो लोग का करी 2017 देखो जो पिछले वाली है पहले जब इनका निराकरण हुई तब अगले ज्ञान मिले की को छोड़ दे को ना छोड़ दे और जब 10 घूम रही है जब 10 घूम रही है तो उनके साथ हम कोई दुयौरी घूमती है तो फिर उनका ना निराकरण हो जाए और तने कुछ खाए पिया रहो सेहत बुलंद रखो और का हमरे तरह कॉल करते ना है कुछ मामला बढ़िया ना दिखा रहा गांव में हम ये एप्लीकेशन लिखे ना हम चलाइए रहन तो यहां पे नहीं ना आपा इससे बढ़िया का हम लोग का जाए नहीं कहां को है हमका वोट मांगा दादा द्वारे है उनसे का अरे तो घर ही आयो अब इन्हें कम से कम 150 आदमी
लखीमपुर बैठे तो लखीमपुर 150-200 आदमी डेली पहुँच जाए फोटो ना मोबाइल जीएसएन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी पारासराय धोंदी लहरपुर रोड सीतापुर 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ डी फार्म बी फार्म पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन PG Diploma in Computer Application. Studywell Group of Institutions, Sitapur. Studywell Public School, Vijayalakshmi Nagar. Studywell Senior Secondary School, Lakhimpur Road, Sitapur. Affiliated to CBSE Board, New Delhi. World Class Infrastructure, NCC for Boys and Girls. Blessed by Honorary President of India and Governor of UP. State of the art labs, school cinema, ultra modern teaching support, digital classrooms. Studywell Group presents ITI and Pharmacy College. खबर आपकी नजर हमारी देखते रहिए आई इंडिया.